बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। प्यारा बारो, आऊं अमर जी सिंधिया जी टीचर आया। ए अज असी क्लास दही लाए पंजो मजमून सिंधी पढ़ंदा सी। अज असा जो सबक आए मीरन जी दरबार। अज असा जो इन सबक जो ब्यूं लेक्चर पढ़ंदा सी। पहिरियों लेक्चर मां असीं कुझु कसीरुल इंतिखाबी सवालात पढ़िया आहिनि ऐं कुझु सवाल ऐं जवाब इसो बे मां ऐं इसो जीम मां हिकु पैराग्राफ जो तर्जुमो शामिल थियो आहे। ऐं हिन सबक मां अॼु असीं पहिरियों सबक जी वज़ाहत कंदासीं। सिंध मां कलहोड़नि खां पोइ मीरनि जी दौरे हुकूमत खे इल्मो अदब ऐं तहज़ीब ऐं सकाफ़त जे करे ख़ासि अहमियत हासिल आहे। हिन सबक मां हिकु अंग्रेज़ सयाह जेके डॉक्टर बाहो मीरनि जे दरबार जो अहिवाल बयान कयो आहे, हू चवे थो त जॾहिं आऊं मीरनि जे दरबार मां पहुतो त अजीब नुमा ॾिसण मां आयो। हर जा सफ़ाई सुठाई मां बेमिसाल हुई ऐं अहिड़ी शान ऐं शौकत वारी कचहरी ॾिनी सो ॾाढो ख़ुशि थियो। इन कमरे मां ॾाढा ऊचा ईरानी गालीचा बिछाया पिया हुआ। सभिनी जे विच मां मकिया मीर, मीर करम अली खां ऐं मीर मुराद अली खां बीठा हुआ। इन्हनि ते हुकूमत जी पग हुई। जिन्हनि गादी ते मीर बीठा हुआ, गादी जे हेठां हिकु वॾो सूसनी मखमल जो गोल वहाणो रखियल हो ऐं इन ते गंडी ऐं भरत जो कम थियल हो। सिंध में बच्चों ये समझाए जा रहे इस पैराग्राफ में कि सिंध में कलहोड़ों के बाद मीरों के दौरे हुकूमत को इल्म अदब और तहजीब और सकाफत की वजह से खास अहमियत हासिल है। इस सबक में एक अंग्रेज सैया जो कि डॉक्टर भी थे मीरों के दरबार का अहवाल बयान किया है उन्होंने। वो ये कहते हैं कि जब मैं मीरों के दरबार में पहुंचा तो यहां मुझे एक अजीब मंजर नजर आया। हर जगह सफाई सुथराई में बेमिसाल थी और मैंने ऐसी शान शौकत वाली बैठक जो है देखी तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। इस कमरे में बहुत ईरानी कीमती सफेद गालीचे बिछे हुए थे और सब मीरों के बीच में दो मकिया मीर यानी दो अहम जो है मीर मीर करम अली खां और मीर मुराद अली खां बैठे हुए थे, जिन पर हुकूमत की जिम्मेदारी थी या ये समझे कि वो हाकिम वक्त थे। जिस गद्दी पर वो बैठे हुए थे उस गद्दी के एक तरफ एक बहुत बड़ा मखमल का एक गोल गाव तकिया रखा हुआ था और उस पर गंदी और भरत का काम हुआ हुआ था। सभी मीरन जे पुठियां खिदमतगार जिनके तरारू ढाली हुई हर जा सफाई सुठाई में बेमिसाल हुई। जेम्स बिन चे उते आऊं केतरे हिंदू राजान जे दरबार में हो ते जरिए जरबफ सून जो डेग घणो हो पर मुंझनि मीरन जे दरबार जी सफाई वारी गाल का न हुई। मूं के मीर करम वॾी इज़त ॾी मूं सां पारसी मां गुफ़्तगू कई ऐं घड़ी मरहबा के आयूं। जितने भी वीर वहां पर बैठे हुए थे उनके पीछे उनके खिदमतगार खड़े हुए थे और उनके हाथ में तलवारें और ढालें थी। हर जगह सफाई सुथराई में बेमिसाल थी। जेम्स ब्रिज कहते हैं कि मैंने बहुत सारे हिंदू राजाओं के दरबार को देखा था कि वहां पर जरी का सोने का जवाहरात का बहुत ज्यादा उसकी नुमाइश की गई थी मगर मीरों के दरबार वाली सफाई वाली बात नहीं थी। मुझे मीर करम अली खान ने बहुत ज्यादा इज्जत दी। मेरे साथ उन्होंने फारसी जबान में गुफ्तगू की और मेरी बहुत ज्यादा तारीफ की। बच्चों सबक का ये हिस्सा जो है इसमें जब जेम्स विंस जो है वो दरबार में पहुंच गए थे तो उन्होंने दरबार में पहुंचने के बाद वहां का जो अहवाल है वो लिखा है। हमारा सबक मीरन जी दरबार चल रहा है ऐं हिन वक्त सबक जो हिसो अलिफ जेकी कसीरुल इंतखाबी सवालात ते मुश्तमिल आहे ऐं हिन मां कुझु कसीरुल इंतखाबी सवालात पढ़ंदासीं। पहिरीं कसीरुल इंतखाबी आहे, मीरन जे दरबार जी सफ़ाई सुठाई एतिरी हुई जो ॾिसी मूं खे तेज वठी वियो। असांजो ऑप्शन आहिनि अलिफ ताजुब, बे हैरानगी, जीम खुशी और दाल कोई नहीं। ते हिन मां
असान जो सही ऑप्शन चाहे अलिफ अलिफ असान जो सही ऑप्शन आए, यानी मियो के दरबार में सफाई सुथराई इतनी ज्यादा थी कि वो देखकर मुझे ताज्जुब हुआ। चोरी कसीर इंतखाबिया है हू मूसा डैश मां गुफ्तगु करण लगा। असान जो ऑप्शन आहिन अलिफ फारसी, बे अंग्रेजी, जीम अरबी, दाल कोई नहीं। एहिन मां असान जो सही ऑप्शन चाहे अलिफ असान जो सही ऑप्शन आहे, यानी वो मेरे साथ पारसी जबान में गुफ्तगु करने लगे। किसने कहा था ये? डॉक्टर जेम्स ब्रिंस ने कहा था, जो मीर मुराद अली खान के इलाज के लिए दरबार में आए थे। 15 कसीरुल इंतखाबी आहे सिंध जा हाकिम मीर केडा ना डैश ने कसरत इन सफाई इन सुठाई वारा हुआ। असन जो ऑप्शन आहिन अलिफ तहजीब याफ्ता, बे सुधरेल, जीम तरक्की याफ्ता, इन दाल कोई नहीं। तहिन मां असन जो सही ऑप्शन छा थींदा? बे सुधरेल, बिल्कुल सही। सिंध हाकिम मीर केडा ना सुधरेल ने कसरत इन सफाई सुठाई वारा हुआ। 16 कसीरुल इंतखाबी आहे मीर करम अली खां ए मीर मुराद अली खां जे मामे जो नालो डैश हो। ऑप्शन आहिन अलिफ बे नसीर खां, बे मीर महमूद खां, जीम मीर नूर मोहम्मद खां, ऐं दाल कोई नहीं। त हिन मां सही ऑप्शन बे आहे, असांजो सही ऑप्शन बे आहे। मीर करम अली खां ऐं मीर मुराद अली खां जे मामे जो नालो मीर महमूद खां हो। 17 कसीरुल इंतखाबी आहे यूरोपी अमलदार ऐं बिया डैश मां मीरन जी तारीफ़ करण मां नथा जापी। ऑप्शन आहिनि अलिफ पंजा, बे तारिया, जीम प्रावा, दाल कोई नहीं। त हिन मां असांजो सही ऑप्शन छा आहे? बे, बिल्कुल सही, शाबाश। बे असांजो सही ऑप्शन आहे यूरोपी अमलदार ऐं बिया दारिया मीरन जी तारीफ़ करण मां नथा डापी। 18 खाली जगह आहे मूंखे मीर करम अली खां ऐं मीर मुराद अली खां जे देश विहारी आहियूं। ऑप्शन आहिनि अलिफ भरिसां, बे अॻियां, जीम पुठियां, दाल कोई नहीं। त हिन मां असांजो सही ऑप्शन छा आहे प्यारा वारो? तव्हां कोशिश कंदा? शाबाश, कोशिश करियो। बिल्कुल सही, अलिफ असांजो सही ऑप्शन आहे। मूंखे मीर करम अली खां ऐं मीर मुराद अली खां जे भरिसां प्यारी आहियूं, यानी उनके करीब बिठाया गया था उनको। 19 कसीरुल इंतखाबी आहे जिन्हनि मां दरबार जे डैश मायस तिन्हनि सभु मीर मूंखे उथी गॾिया। ऑप्शन आहिनि अलिफ अंगण, बे सफ़े, जीम कमरे, दाल कोई नहीं। त हिन मां असांजो सही ऑप्शन छा आहे? शाबाश, सफ़े, यानी बे असांजो सही ऑप्शन आहे। जिन्हनि मां दरबार जे सफ़े मां आयसि तिन्हनि सभु मीर मूंखे उथी गॾिया। 20 कसीरुल इंतखाबी आहे शहर मां लॻंदी मूंखे ॾाढो डैश नज़र आयो। ऑप्शन आहिनि अलिफ हुजूम, बे रौनक, जीम चहचटो, दाल कोई नहीं। सही ऑप्शन जीम, बिल्कुल सही। चहचटो यानी शहर से गुजरते हुए जेम्स ब्रिंस को बहुत ज्यादा रौनक नजर आई थी। 21 कसीरुल इंतखाबी आए सभी मुंजी डैश जी चौधारी ते बीठा। अलिफ गादी, बे टोली, जीम कार, दाल कोई नहीं। सही ऑप्शन छा आहे असांजो? बे, बिल्कुल सही, बे असांजो सही ऑप्शन आहे। यानी सभु लोग सभई मुंहिंजी डोली जी चौधारी ते बीठा, सभु उनकी सवारी के चारों तरफ बैठ गए थे। 22 कसीरुल इंतखाबी आहे मीर करम अली खां मूंखे चयो त तव्हीं असांजा ख़ासि डैश आहियो। ऑप्शन आहिनि अलिफ दोस्त,
बे मेहमान जीम उस्ताद दाल कोई नहीं तेहिन मां असांजो सही ऑप्शन छा आहे बिल्कुल सही शाबाश बे असांजो सही ऑप्शन आहे मेहमान मीर करम अली खां मुख्य चयो ते तव्हीं असांजा खास मेहमान आयो ते बि कसीरुल इंतिखाबी आहे गादी ते भित ऐं डैश जो कम थियल हो ऑप्शन आहिनि अलिफ दरी बे सून जीम हिरन ताल कोई नहीं तेहिन मां सही ऑप्शन छा आहे किसके बारे में पूछा जा रहा है जिस गद्दी पर मीर बैठे हुए थे उस पे किस चीज से काम हुआ था शाबाश ऑप्शन छा आहे अलिफ जरी यानी उस पर जरी का काम हुआ हुआ था चौबी कसीरुल इंतखाबी आहे मीर मुराद अली खान जे इलाज लाए सन 10 ईस्वी मां मीरन कच्छ मां एक अंग्रेज अमलदार के घुरायो हो ऑप्शन आहे 1825 बे 1827 जीम 1830 ऐं दार 1840 ते हिन मां सही ऑप्शन असांजो छा आहे बे असांजो सही ऑप्शन आहे मीर मुराद अली खां के इलाज के लिए सन 1827 ईस्वी में मीरो ने कच्छ में से एक अंग्रेज अमलदार को बुलाया था पची कसीरुल इंतिखाबी आहे किले मां गोड़ को न हो टैश लगी पई हुई ऑप्शन आहिनि अलिफ रोशनी बे सांत जीम रौनक ताल कोई नहीं ते हिन मां असांजो सही ऑप्शन छा आहे बे बिल्कुल सही बे असांजो सही ऑप्शन आहे किले मां गोड़ को न हो सांत लगी पई हुई छवी कसीरुल इंतिखाबी आहे जिन्हनि मां दरबार जे डैश मां आयस तिरन सब मीर मुख सां उथी गॾिया ऑप्शन आहिनि अलिफ अंगण बे सफ़े जीम कमरे दाल कोई नहीं सही ऑप्शन छा आहे बे असांजो सही ऑप्शन आहे सफ़े यानी जब मैं दरबार के सफ़े में आया तब सब मीर उठकर खड़े हो गए प्यारा वारो कसीरुल इंतिखाबी सवालात पूरो थियो हिन वक़्तु सबक मीरन जे दरबार जो हिसो बे जेकी मुख़्तसर सवालात जे जवाब ते मुश्तमिल थींदा आहिनि असांजे साम्हूं आहे ऐं हिन मां असीं कुझु सवालनि जा जवाब पढ़ंदासीं सवाल नंबर टी मीरनि जे इख़लाक बाबति ब्रिंस छा लिखियो आहे मीरो के इख़लाक के बारे में ब्रिंस ने क्या लिखा है जवाब आहे मीरनि जे इख़लाक बाबति ब्रिंस लिखियो आहे त मीर तमामु नेक कसरत सफ़ाई सुठाई वारा ऐं ॾाढा महिमान नवाज़ हुआ मीरो के इख़लाक के बारे में ब्रिंस लिखते हैं कि मीर जो थे वो नेक आदात के मालिक और सफाई सुथराई वाले और बहुत ज्यादा मेहमान नवाज थे सवाल नंबर 4 मीरन जी पोशाक कहिड़े किस्म जी हुई मीरो के जो लिबास था वो किस किस्म का था जवाब मीरन जी पोशाक तमाम साफ सुठी उची ऐं ज़र्क बर्क वारी हुई मीरों का जो लिबास था वो बहुत साफ सुथरा सफेद और जर्क बर्क था हिन वक्त कुछ लफ्ज इनका माना इनका जुमलन मां इस्तेमाल बुधायो आहे चहचटो रौनक क्लिफ्टन ते शाम जो चहचटो लगो पियो हूंदो आहे क्लिफ्टन में शाम को बहुत ज्यादा रौनक लगी होती है हुशाम हुजूम हुशाम माण्हुनि जा जेम्स विंस खे ॾिसण लाइ मीड करे आया लोगों का एक हुजूम था जो जेम्स विंस को देखने के लिए झुंड की शक्ल में आया शांत खामोशी गोट मां रात जे वक़्त शांत लगी पई हूंदी आहे गांव में रात के वक़्त खामोशी छाई होती है नुमा मंज़र अॼु असां शहर मां गुलनि जो नुमा ॾिनो आज हमने शहर में फूलों की नुमाइश देखी या फूलों का मंज़र देखा शकील मायने आहे खूबसूरत दरबार मां मीर ॾाढियूं शकील पोशाकूं पहिरियूं वीठा हुआ
दरबार में जो मीर बैठे हुए थे उनके बारे में जुमला है कि दरबार में बैठे हुए मीरों ने बहुत खूबसूरत अच्छे लिबास पहने हुए थे, वो वहां पर बैठे हुए थे। अच्छा जो हिस्सो बे पूरो थे हो यही सबक मीरन जे दरबार जो असां जे साम्हूं हिस्सो जीम जेकी बयानिया सवाल जे जवाब ते मुश्तमिल थींदा आहिनि। हिन मां कुझ सवाल जेके पहिरियों लेक्चर मां असीं हिकु पैराग्राफ ऐं हुन जो उर्दू तर्जुमो पढ़ियो आहे ऐं हिन सबक हिन लेक्चर मां असीं खुलासो सबक जो पढ़ंदासीं। हिन सबक मां मीरनि जे दरबार जे सुठे नमूने तारीफ़ कई वई आहे त मीर केॾा अनेक ऐं सुधरियल हुआ। इन खां अलावा हिन सबक मां संदसि पहिरीं बहितरीन इख़लाक़ बाबति ज़िक्र कयल आहे। सिंध मां जॾहिं मीरनि जी हुकूमत हुई तॾहिं मीर मुराद अली ख़ान जे इलाज लाइ कच्छ मां हिकु अंग्रेज़ डॉक्टर जेम्स ब्रिंस खे घुरायो वियो हो। इस सबक में मीरों के दरबार की बहुत अच्छे तरीके से तारीफ की गई है कि मीर कितने नेक और अच्छी आदात के मालिक थे। इसके अलावा इस सबक में उनके बेहतरीन अखलाक का जिक्र भी किया गया है। सिंध में जब मीरों की हुकूमत थी तब मीर मुराद अली खान के इलाज के लिए कच्छ में से एक अंग्रेज डॉक्टर जेम्स ब्रिंस जो कि सयाह भी थे उनको इलाज के लिए बुलाया गया था। वो लिखे थो ते तारीख 20 नवंबर 1827 ईस्वी ते मां हैदराबाद पहुतस। शाम माण्हुनि जा मूंखे ॾिसण लाइ आया हुआ। शहर मां काफ़ी चहचटो नज़र आयो। जॾहिं मां किले जे दरवाज़े वटि पहुतसि त ही कमलदार मूंखे किले जे अंदर वठी वियो। किले मां गोड़ कोन हो, शांति लॻी पई हुई। मीरनि जे दरबार जो सुठा तमामु सुठो ऐं साफ़ सुथरो हो। कमांगरी छत ते भित ते कीमती ईरानी गालीचा विछायल हुआ। सभिनी मीरनि जे विच मां पगदार मीर करम अली खां ऐं मीर मुराद अली खां विठियल हुआ। वो लिखते है कि तारीख 20 नवंबर थी मैं हैदराबाद पहुंचा। 1827 ईस्वी की 20 नवंबर की तारीख को वो हैदराबाद पहुंचे। एक हुजूम था लोगों का जो उनको देखने के लिए आया हुआ था। शहर में बहुत ज्यादा रौनक थी। जब वो किले के दरवाजे के पास आए तो एक अमलदार किले के अंदर उनको लेकर गया। किले में कोई शोर शराबा नहीं था, खामोशी छाई हुई थी। मीरों के दरबार का जो तौर तरीका था वो बहुत सुथरा साफ सुथरा था। कमान की शक्ल में छत थी और दीवारों पर कीमती ईरानी गालीचे बिछे हुए थे। सब मीरों के बीच में दो पगदार मीर जिन्होंने पगड़ियां पहनी हुई थी, मीर करम अली खां और मीर मुराद अली खां बैठे हुए थे। सबनी मीरन जे पुठियां खिदमतगार जिनके तरारू ए ढालियूं हुयूं सी चगियूं पोशाकूं पहरियूं बैठा हुआ। सब मीरों के पीछे उनके खिदमतगार जिनके हाथ में तलवारें और ढालें थी अच्छे लिबास पहने हुए बैठे थे। हर जा सफाई सुठाई में बेमिसाल हुई। मीरन जे मुकाबले में हिंदुस्तान जे मीरन नवाबन के सफाई ए नज़ाकत लाए घणो कदर कोन हो। जिदन मां दरबार जे सफ़े मां आयसि त सब मीर मूंसां उथी गडि॒या। मूंखे मीर करम अली खां ऐं मीर मुराद अली खां जे परसां विहारियाऊं ऐं हुननि मूंसां पारसी मां गुफ़्तगू कई। कुझु ख़ैर आफ़ियत पुछी मुंहिंजी घड़ी मरहबा कयाऊं। मीरों दरबार में हर जगह सफ़ाई सुथराई में बेमिसाल थी। मैंने बहुत सारे वो ये कह रहे हैं मीरों के मुकाबले में हिंदू राजाओं अमीरों और नवाबों की दरबार देखे थे मगर वहाँ सफाई और नजाकत की कदर नहीं थी। जब मैं दरबार के दरमियान में आया तो तमाम मीर जो हैं वो मेरे साथ उठकर खड़े हो गए और मुझे मीर करम अली खां और मीर मुराद अली खां के करीब बिठा दिया। इसके बाद मुझसे पारसी जबान में गुफ्तगू की, कुछ खैर आफियत पूछी मेरी और मेरी बहुत तारीफ की। मथियू समूरो बयान डेकारे तो तेसिन जहाकी मीर केडा ना सुधरियल नेक कसरत बाख़लाक मेहमान नवाज ए सफाई सुठाई वारा हुआ जो यूरोपीय अमलदार ए बयादार संदस तारीफ करण मां नथा डापी। ऊपर लिखा हुआ तमाम बयान ये दिखाता है कि सिंध के हाकिम मीर कितने नेक कसरत अच्छी आदात के मालिक बाख़लाक और मेहमान नवाज थे, सफाई सुथराई वाले थे कि एक अंग्रेज अमलदार और सयाह जो था वो भी उनकी तारीफ करने से नहीं हिचकिचाया। बच्चों यकीनन आपको सबक समझ में आ गया होगा। हम आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।